दिल्ली में लॉकडाउन लगे एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस दौरान राजधानी में सभी शराब के ठेके बंद हैं। हालांकि इस खबर से शायद कुछ लोगों को राहत की सांस मिले, क्योंकि दिल्ली सरकार ने राज्य में शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार ने एक मोबाइल ऐप और ऑनलाइन वेब पोर्टल बनाया है, जिसके जरिए लोग अपने घर पर ही लीकर की होम डिलीवरी करवा सकेंगे। इसी तरह का कदम हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उठाया था और अपने राज्य में शराब की होम डिलीवरी शुरू की थी। शराब की ऑनलाइन डिलीवरी शुरू करने का कारण दुकानों पर लगने वाली भीड़ को खत्म करना बताया गया है। ANI ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि सोमवार 1 जून से दिल्ली में अब शराब की ऑनलाइन डिलीवरी शुरू हो गई है। दिल्ली आबकारी नियम 2021 के अनुसार L13 लाइसेंस धारक दिल्ली में लोगों के घरों तक शराब पहुंचा सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ शर्तें हैं, जिनमें से पहली ये कि लाइसेंस धारक केवल सरकार द्वारा बनाए गए मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए मिले ऑर्डर को ही घरों तक डिलीवरी करेंगे। दूसरा ये शर्त है कि किसी भी छात्रावास, कार्यालय और संस्थान पर किसी प्रकार की डिलीवरी नहीं होगी। बता दें कि 2020 के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राज्यों को शराब की होम डिलीवरी करने पर विचार करने को कहा था, जिसका कारण शराब की दुकानों पर लगने वाली भीड़ से निजात पाना बताया गया। दरअसल कई राज्यों में कोरोना के दौरान शराब की दुकानें खुली रहीं और नियमों की अनदेखी की गई तस्वीरें भी सामने आई थी। यही कारण था कि दूसरी लहर आते ही दिल्ली सरकार ने राज्य में शराब की दुकानें बंद करने का फैसला लिया और एक महीने से ज्यादा समय से दुकानें बंद की। ब्यूरो रिपोर्ट, दी कंटाप।